हेलो दोस्तों, मैं अविनाश सिंह आपका स्वागत करता हूँ डीएन एकेडमी पे। व्यूअर्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सीजी सेट के ऊपर टेस्ट सीरीज बनाया जाए, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉपिक अमीनो एसिड पे जो फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं। और आप हमारे डीएन एकेडमी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इफ एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन विल हैव बफर एक्शन। बफर एक्शन का मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसपे हम थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाल दे तो उसका पीएच चेंज नहीं होता एट द फिजियोलॉजिकल पीएच। फिजियोलॉजिकल पीएच हम किसको कहते हैं, 7 पीएच, 7 को हम फिजियोलॉजिकल पीएच कहते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पीआई वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और सबसे 7 के आसपास सबसे अगर किसी का पीआई वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे हिस्टिडीन का है। तो इस तरीके से जब हिस्टिडीन को हम किसी सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो उसका बफरिंग एक्शन शो करेगा, तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा हिस्टिडीन। तो लीजिए दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा हमारे एकेडमी का लोकेशन। हम भिलाई नगर में लोकेशन में है ये। हम अपने एकेडमी में सीएसआईआर नेट गेट सेट डीबीटी सीएसआई आईसीआर जेआरएफ की भी तैयारी कराते हैं। तो जिन किसी भी स्टूडेंट्स को न्यू रजिस्ट्रेशन कराना है तो इन चारों में से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी न्यू बैचेस 16th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सेकंड क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेट चार्ज प्लस जीरो माइनस ऑफ द अमीनो एसिड ग्लूटामाइन एंड आर्जिनिन एट पीएच 10.76। मतलब कि द 10.76 पीएच पर ग्लूटामाइन और आर्जिनिन का चार्ज कितना रहेगा, नेट चार्ज कितना रहेगा, प्लस जीरो या माइनस। तो देखते हैं दोस्तों, इसके ऊपर पूरा पूरा डिपेंड करता है पीआई वैल्यू के ऊपर। आर्जिनिन का पीआई वैल्यू होता है 10.76 और ग्लूटामाइन का 5.65। मतलब पीआई वैल्यू वो वैल्यू है जिस पीएच पे कोई भी अमीनो एसिड जीरो चार्ज शो करता है। तो देखते हैं दोस्तों, जब पीएच किसी सॉल्यूशन का पीएच पीआई वैल्यू से ज्यादा हो जाता है तो उसमें डीप्रोटोनेशन होता है, मतलब उसमें टोटल चार्ज माइनस हो जाता है। और उसका अगर पीआई वैल्यू पीएच से ज्यादा हो तब उसमें प्रोटोनेशन होता है, मतलब प्लस चार्ज होता है। और अगर पीआई वैल्यू पीएच के बराबर हो तो जीरो चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखते हैं आर्जिनिन का 10.76 जो पीआई वैल्यू होता है वो किसके बराबर है, पीएच के बराबर। तो इसके इस पे चार्ज रहेगा आपका जीरो चार्ज। तो यहाँ पे आंसर डी और ए दोनों में से कोई एक हो सकता है। और देखते हैं ग्लूटामाइन का, ग्लूटामाइन का जो पीआई है वैल्यू है पीएच से कम है, मतलब कि पीआई वैल्यू पीएच से कम है, इसका मतलब इसमें डीप्रोटोनेशन होगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर चार्ज जो रहेगा माइनस चार्ज रहेगा। तो इस टाइप से इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमिनो एसिड। इमिनो एसिड दैट मीन्स, देखिए प्राइमरी एमीन मतलब कि जो हमारा अमोनिया एन ग्रुप है वो NH2 होगा और केवल इसका जो एक जो बॉन्ड है वो R ग्रुप से सैचुरेट होगा, उसको हम कहते हैं एमिनो एसिड। ओके, जैसा कि हम देखते हैं जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उसमें N ग्रुप जो है सिर्फ एक बॉन्ड जो होता है R ग्रुप, मतलब कि कार्बन से जुड़ा रहता है। और इमिनो जिसका वो अमीनो ग्रुप जिसमें दो बॉन्ड R से सैचुरेट होते हैं, R मीन्स कार्बन चेन से अगर सैचुरेट होते हैं तो उसको हम कहते हैं इमिनो। तो इस तरीके से जो प्रोलीन का जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें जो प्रोलीन है वो इमिनो एसिड है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, प्रोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पेयर ऑफ अमीनो एसिड विल हैव हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस। इनमें से किन जो पेयर है उसका एब्जॉर्बेंस जो होगा हाईएस्ट होगा किस पे, 280 नैनोमीटर पे अगर हम एब्जॉर्बेंस लेंगे तो सबसे ज्यादा होते। तो देखते हैं इसमें जो एब्जॉर्बेंस देते हैं ट्रिप्टोफान और टायरोसिन, इनका एब्जॉर्बेंस जो होता है 280 नैनोमीटर में, 280 नैनोमीटर वेवलेंथ पे हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस शो करता है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा दोस्तों ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन, इसका आंसर होगा सी। ओके, ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। इफ वन आर्जिनिन हैज मॉलिकुलर मास ऑफ 174 डाल्टन, अगर एक आर्जिनिन का मास दिया है 174 डाल्टन, व्हाट विल बी द मॉलिक्युलर मास ऑफ द सर्कुलर पॉलीमर। सर्कुलर पॉलीमर मतलब कि भाई यहाँ पे जो आर्जिनिन होंगे, एक एक इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे आर्जिनिन के, उनके बीच में एक सर्कुलर पॉलीमर बनेगा। और जब भी दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो एक
बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन फॉर्मेशन से निकलता है एक वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे दिया गया है एक आर्जिनिन का मास 174 डाल्टन्स, और कितने रेसिड्यू होंगे, कितने आर्जिनिन, 38 आर्जिनिन होंगे, और एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनने से एक वाटर निकलता है, और इसी तरीके से 38 जब आर्जिनिन आपस में मिलेंगे तो केवल 38 अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। इस तरीके से 38 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इंटू कर दिया है 174 आर्जिनिन इंटू 38, मतलब कि हर का मास हमने इंटू कर दिया, उससे हमने घटा दिया 38 वाटर मॉलिक्यूल्स का। एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट होता है 18, तो इससे हमने इंटू करके इसको माइनस कर दिया, तो इस तरीके से इसका आंसर आता है 5928। तो इसका आंसर होगा बी 5928 डाल्टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। विच अमीनो एसिड रेसिड्यू इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ वाटर सोल्यूबल ग्लोबुलर प्रोटीन। एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें वाटर है, और वाटर के बीच में एक वाटर सोल्यूबल ग्लोबुलर, ग्लोबुलर मतलब कि गोल प्रोटीन है ना, तो इसके इंटीरियर में, इंटीरियर मतलब भाई बीच में, इसके इंटीरियर पोर्शन में कौन सा अमीनो एसिड पाया जाएगा, तो वही अमीनो एसिड जो वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता वो इंटीरियर में पाया जाता है। और वो कौन सा अमीनो एसिड वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैलिन है, वैलिन एक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, इस प्रकार ये ग्लोबुलर प्रोटीन के सेंटर में रहेगा। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, एब्जॉर्बेंस 280 नैनोमीटर पे। 280 नैनोमीटर पे कौन कौन से अमीनो एसिड अपना एब्जॉर्बेंस देते हैं, जैसे कि हमने देखा था टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन 280 नैनोमीटर पे अपने एब्जॉर्बेंस देते हैं। तो हमको यहाँ पे चार सीक्वेंसेस दिए गए हैं, जिसमें पी और क्यू और एस, तीनों में, पी में क्या है, टायरोसिन है, क्यू में ट्रिप्टोफैन है, और एस में ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन दोनों है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा ए, क्योंकि 280 नैनोमीटर के एब्जॉर्बेंस में ये जो तीनों पेप्टाइड हैं, 280 नैनोमीटर के वेवलेंथ के लाइट में ये तीनों पेप्टाइड अपना एब्जॉर्बेंस शो करेंगे। ठीक है, एक आर बस है जो शो नहीं करेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पी क्यू एस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नॉन पोलर अमीनो एसिड रेसिड्यू आर मोस्ट फाउंड मोस्टली, भाई नॉन पोलर अमीनो एसिड, वाटर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर सॉल्यूशन है, पोलर सॉल्यूशन हमने भर दिया, अगर इसमें अगर कोई अमीनो कोई एक प्रोटीन है तो वही अमीनो एसिड जो कि पोलर होगा वो उसके सरफेस में होगा, मतलब कि हमारे प्रोटीन के सरफेस में वही अमीनो एसिड होंगे जो कि पोलर होंगे और वो वाटर से इंटरेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जो नॉन पोलर होंगे, जो नॉन पोलर होंगे वो प्रोटीन के इंटीरियर पोर्शन में रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहाँ पे रहेगा, इन द कोर ऑफ प्रोटीन, इसका आंसर रहेगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द मॉलिकुलर मास ऑफ एन अमीनो एसिड इज 150 किलो डाल्टन। ओके, 150 डाल्टन, यहाँ पे एक अमीनो एसिड का वेट दे दिया है और हमको निकालना है ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड मतलब तीन अमीनो एसिड का एक चेन बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पे तीन अमीनो एसिड दिया गया है और यहाँ पे सिर्फ दो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और जब भी एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो वहां से एक वाटर का रिमूवल होता है। तो जैसे कि देखते हैं एक अमीनो एसिड का वेट दिया है 150 डाल्टन, और नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड मतलब कि उतने ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल, तो इस तरीके से इंटू थ्री कर देंगे, और उससे वाटर निकलते हुए वाटर मॉलिक्यूल का वेट अगर हम रिड्यूस कर दें तो 414 डाल्टन इसका आंसर आता है। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने जो भी सुझाव है हमारे अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला वीडियो का टॉपिक कौन सा होगा, जिसमें हम पुराने क्वेश्चन या फिर जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उनको डील करेंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और जुड़े रहिए DNA Academy के साथ। धन्यवाद।